हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एयर ड्रॉप इनसाइड। दोस्तों, यहां आपके साथ एक एयर ड्रॉप शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां सिर्फ $1 का हमें BTC मिलना है और इसका रेफर का $1 मिलना है। ये पहले आपको ऑलरेडी बता दूं, प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, सेम की बेस की तरह है। लेकिन दोस्तों, यहाँ क्या करना है, $1 मिलेगा और रेफर का $1 मिलेगा। अगर हम 10-15 रेफर बना लें आप, तो इससे आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ क्लेम पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका नंबर मांगेंगे। नंबर मांगने के बाद आपसे ये देखें, नंबर मांगने के बाद ये आपसे कहेंगे कि अपने वॉलेट आईडी क्रिएट करें। आपने वॉलेट आईडी क्रिएट कर लेनी है दोस्तों। फिर आपसे मेल मांगेंगे, इस तरह ऑप्शन आएगा। ये देखिए, अभी नंबर मांगा है, नंबर के बाद मैं यहाँ से नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ नंबर डालने के बाद आपने क्या करना है, आपको दिखा दूँ, लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आपने क्या करना है, ये आपको एक कोड रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोड रिसीव होगा, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कोड रिसीव होगा, उसके बाद जो नेक्सस का सेटअप है वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर का कोड डालने के बाद, आपने वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद फिर नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, जहाँ आपसे जो नेक्स्ट जो मांगेंगे वही आपने डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, $10 एक्सचेंज के एड्रेस में शेयर करने वाला हूं, वो आपने कर लेना है दोस्तों। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप आगे नेक्स्ट करें, ठीक है। जहां नेक्स्ट करेंगे आपका साइन इन हो जाएगा, आपसे की मांगेंगे, ये आपके मेल में भी एक प्राइवेट की भेजेंगे, वो आपने सेव करके रख देनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये देखें, ये कह रहे हैं कि क्लेम यूर BTC, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कह रहे हैं कि अपना वॉलेट एड्रेस डालें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस वॉलेट पर जाएँ, इस पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, न्यू टैब में से ओपन कर लेना है। जैसे ये न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपका वॉलेट्स ओपन हो जाएगा, आपके सामने रिसीव और सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ से लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वॉलेट कापी करना है और जो टैब आपने ओपन किया है, ये आपसे ये मांग रहे हैं एड्रेस, तो यहाँ आपने एड्रेस डाल के नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा इसकी वेरिफिकेशन का, आपके पास ये आपका रेफर लिंक आ जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, रेफर लिंक कॉपी कर लेना है, कीप अर्निंग पे क्लिक करना है, बस इतना सा काम करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अभी इसकी जो मेन सेटअप है वो हमने कंप्लीट करने हैं। तो वो कैसे करने हैं आपको दिखा दूँ, जहाँ वापस आ जाना है इसके मेन पेज पर, ठीक है। ये तो दोस्तों हो गया ना, इसका अर्निंग वाला पेज, ये आपका अर्निंग वाला, यहाँ आप वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रेफर, यहाँ रेफर आपके रेफर भी पड़ा है। तो आपने क्या करना है, आपका मेन पेज यहाँ वापस आना है इस पेज पे, ठीक है जी, मेन पेज इसका है। तो जैसे इसके मेन पेज पे आएंगे, आपको दिखा दूं, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा इसके मेन पेज पे। ये देखिए browser.blogstack.org, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लिखा हुआ है यहाँ। तो इसमें आपने अपनी कुछ प्रोफाइल यहाँ सेट करनी है, जैसे कि फेसबुक हो गया। इसके बाद आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ जूम करके आपने यूज़र नेम सबसे पहले तो अपनी तस्वीर लगानी है, ठीक है। फिर यूज़र नेम आपने कोई सेट करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये BTC मांगेंगे, लेकिन दोस्तों हमारा ऑलरेडी यहाँ सेट है, तो ये आपने क्या करना है, इसे छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ आप लगा भी सकते हैं यूज़र नेम, यहाँ देखिए एडिट पे करेंगे, अपने फर्स्ट नेम और अपनी बायो ये क्लेम कंप्लीट कर लेनी। जैसे कि मैं यहाँ से अपनी ये कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं यहाँ से कंप्लीट करता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपनी बायो लिख देता हूँ, यहाँ IAM Gold लिख देता हूँ, आपने भी सेम ऐसे लिखना है, या IAM YouTuber लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसे सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने कोई प्रोफाइल पिक्चर आपने लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों, ये आपने BTC वॉलेट हम आपने ऐड करना है, ये हमारा हो गया है। इथेरियम वॉलेट एड्रेस भी ऐड करना है, ये भी आपने कर लेना है। यहाँ से ये फेसबुक का कह रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसका एक एंट्री है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने अपने क्या करना है, यूज़र नेम लिखना है फेसबुक का, और इनका जहाँ ये देखें शेयर का कह रहे हैं, शेयर कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे वेरीफाई ब्लॉक ID, और यहाँ देखें वेरीफिकेशन का कह रहे हैं। तो ये कैसे करना है आपको दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ देखें ये कह रहे हैं ओपन एंड शेयर, ठीक है दोस्तों, ओपन एंड शेयर विंडो, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका आपकी फेसबुक ओपन हो जाएगी। तो देखें आपके सामने, यहाँ से देखें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। तो दोस्तों, यहाँ आपने क्या करना है, इसको पोस्ट को शेयर कर देना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, शेयर करना है, ये एड्रेस आपके सामने आ रहा है, आपने यहाँ से ये देखें मैंने पोस्ट को शेयर कर दिया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे शेयर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं। यहाँ आपने क्या करना है, अपना फेसबुक का यूज़र नेम डाल देना है। जैसा कि मैं यहाँ से अपने फेसबुक का यूज़र नेम डालता हूँ, जो भी आपका यूज़र नेम हो दोस्तों, वो आपने वहीं डालना है, ठीक है। ये देखिए मैंने यूज़र नेम डाल दिया फेसबुक का, और यहाँ ये कह रहे हैं कि पेस्ट योर टेक्स्ट इन योर मैसेज फील्ड, ठीक है दोस्तों। मैसेज फील्ड में आपने ये अपनी ये ऑलरेडी हमारा हो गया है,
और यहाँ आपकी जो है प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है, सेट पोस्ट पब्लिक। इसके बाद ये है कि पेस्ट यूअर पोस्ट यूआरएल, तो दोस्तों यहाँ पोस्ट यूअर जो आपने पोस्ट किया वो यहाँ डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने अपना लिंक डाल दिया जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट शेयर की थी, अब वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखें अब अनवेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें अभी आपके सामने मैंने ये ऐड किया है। तो दोस्तों यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ आपने ये एड्रेस कॉपी करना है और शेयर पोस्ट में जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें मैं यहाँ शेयर पोस्ट पर क्लिक करूँ तो ऊपर जो राइट बॉक्स है जिसमें आपने लिखना है, तो ये आपने टेक्स्ट अपनी पेस्ट कर देनी इस जगह, ठीक है, ये यहाँ इस जगह ये टेक्स्ट आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने पोस्ट शेयर करनी है और उसी पोस्ट का लिंक आपने उठाना है, ठीक है। ये देखिए मैंने वहाँ से लिंक उठाया है दोबारा, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो अब देखते हैं, यहाँ मैं आपको क्लिक करके यहाँ से रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये अभी वेरिफिकेशन नहीं होगी लेकिन ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ फेसबुक का ऑप्शन भी आ रहा है कि ये फेसबुक पेज पर आपने यहाँ से अपना यूज़र नेम, तमाम चीज़ें दोस्तों आपने ठीक लिखनी है, आपका ये पब्लिक होना चाहिए एड्रेस, और इसके बाद आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ गेट हब, तो आपने गेट हब का यहाँ अकाउंट सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ देखें ये मैंने कॉपी किया और क्रिएट, यहाँ ये देखें गेट हब का ये यूज़र नेम मांग रहे हैं, तो आपने क्या करना है यहाँ क्रिएट गेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो है गेट हब का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखें गेट हब के क्लिक करते हैं, तो दोस्तों यहाँ आपने क्या करना है वही टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किए हैं, वो करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है क्रिएट पब्लिक गेट्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपने पब्लिक गेट्स पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ आपने पब्लिक पे पोस्ट, यहाँ ये पब्लिक टेक्स्ट पोस्ट है, यहाँ आपने ये देखे मैंने पोस्ट क्लिक कर दिए, और यहाँ आपने क्या लिखना है मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ लिंक नहीं देना, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखने कह रहे हैं कि गेट्स डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ गुड प्रोजेक्ट लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ। और इसके बाद ये क्रिएट पब्लिक पोस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसी का लिंक उठा के आपने इस बॉक्स में डालना है, ठीक है। जहाँ से देखें ये पोस्ट हो चुकी है, तो अब आपने क्या करना है इसी का लिंक उठाना है, कैसे उठाना है वो आपको दिखा दूँ। तो ऊपर दोस्तों यहाँ एड्रेस बार में ये लिंक आ रहा है, ये आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है वापस आना है और यहाँ बॉक्स में यहाँ ये लिंक का कह रहे हैं, तो यहाँ आपने वही लिंक डाल देना है, ठीक है। जैसे ये लिंक डालेंगे उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ आपने यूज़र नेम लिखना है अपने जो है गेट हब का, यहाँ गेट हब का यूज़र नेम आपने अपना डालना है। तो मैंने अपना यूज़र नेम यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ और वहाँ डालता हूँ इसके मेन पेज पे दोस्तों। तो यहाँ मैं यूज़र नेम अपना डाल देता हूँ दोस्तों, यूज़र नेम मैंने अपना डाल दिया, इसके बाद वेरीफ़िकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। ये भी हमारा कम्प्लीट हो गया, ये तो मेरे वेरिफिकेशन भी हो गई है, फेसबुक भी पता क्यों नहीं हो रही दोस्तों, ये भी मैं चेक करता हूँ, आपने सेम वैसे ही करना है। तो दोस्तों जहाँ वेरिफिकेशन नहीं हो रही, फेसबुक की एडमिन से बात हुई है, ये देखिए काफ़ी लोगों ने जहाँ कमेंट्स किए कि इन्होंने कहा कि मैनुअल वेरिफिकेशन करेंगे और लिंक में थोड़ा इसमें चेंजिंग भी करनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी आप क्या करें इसका एड्रेस ज्वाइन कर लें, ये देखें अभी 330 लोगों ने जहाँ इनको कहा है कि हमारी फेसबुक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रही। पोस्टें भी आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, सेम तरीका कार्य ही है लेकिन ये वेरिफिकेशन दोस्तों अभी नहीं हो रही, नेक्स्ट इसकी अपडेट दूंगा। आपने क्या करना है सबसे पहले तो यहाँ से गेट हब को आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है, ठीक है। गेट हब और ट्विटर आप कर लें, इसके बाद जो फेसबुक का नेक्स्ट जो सेटअप होगा वो आपको अगली वीडियो में मैं यहाँ से तमाम चीज़ें बता दूँगा। तो यहाँ गेट हब मैंने कर ली है, ये इंस्टेंट हो गई है। इसके बाद आपने ट्विटर पे करना है तो इसे कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो गई और आप भी इसमें से आपने भी ये एडअप ज्वाइन करना होगा, तो देख लेते हैं कि क्या होता है आगे। तो दोस्तों ट्विटर का भी मैंने लिंक यहाँ डाल दिया है, आपने भी सेम वैसे करना है। ये देखें यहाँ रिट्वीट के इस पर क्लिक करना है और इसे ट्वीट कर देना है, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने क्या करना है वेरीफिकेशन पर आके वेरीफिकेशन कर लेनी है। ये देखिए जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट की तो इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो गई। अभी फेसबुक की क्यों नहीं हो रही, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो 330 बंदों ने यहाँ कमेंट्स भी किए, आपको दिखा दूँ, यहाँ आप नीड हेल्प में जाएंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या लोग कह रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ इसका मेन पेज ओपन हो गया है। वीडियो दोस्तों 10 मिनट की हो गई है, वीडियो पूरी दिखनी है और इसके तमाम टास्क आपने कम्प्लीट कर लेने। ये देखें ये कह रहा है कि वेरीफिकेशन नहीं हो रही, URL इस तरह डाला है और इसके बाद ये एग्जांपल भी दे रहे हैं। तो जो नेक्स्ट इसका जो मैं इसे चेक करूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। अभी आप ये ज्वाइन कर लें, इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी अपडेट है दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इसकी ये है कि
वो जो मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ ही एयरड्रॉप दे रहा हूँ एक्सचेंज का, $10 का, वो वीडियो भी आपने देख लेनी है। अपने ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।